26 नवंबर भारत में एक खास दिन है। इस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। 1949 में इसी दिन भारत ने अपना संविधान अपनाया था। ये डॉक्यूमेंट हमारे देश का दिल है। ये हमें गाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है और हमें बताता है कि हम कौन हैं। संविधान दिवस हमें हमारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिलाता है। ये हमें बताता है कि भारत एक डेमोक्रेसी है। ये हमें याद दिलाता है कि पावर लोगों के पास है। भारतीय संविधान बनाना बहुत बड़ा काम था। इसमें लगभग 3 साल की मेहनत और लगन लगी। डॉ. बी.आर. अंबेडकर की लीडरशिप में बहुत से बुद्धिमान लोग इस डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने के लिए एक साथ आए। उन्होंने दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े। उन्होंने हर एक डिटेल पर डिबेट और डिस्कस किया। उनका मकसद एक ऐसा संविधान बनाना था जो फेयर हो, जस्ट हो और सभी भारतीयों का रिप्रेजेंट करे। भारतीय संविधान कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज पर आधारित है। ये जस्टिस, इक्वालिटी और सबके लिए फ्रीडम की बात करता है। ये हर सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स देता है, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। संविधान सेक्युलरिज्म की भी बात करता है। इसका मतलब है कि भारत सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है। यही इंक्लूसिविटी भारत को यूनिक और वाइब्रेंट बनाती है। भारतीय संविधान हमारे डेली लाइफ को कई तरीकों से इंपैक्ट करता है। ये हमें वोट करने और अपने लीडर्स चुनने का राइट देता है। ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है। ये इंश्योर करता है कि हमें एजुकेशन और हेल्थ केयर मिले। ये फाउंडेशन है जिस पर हमारी डेमोक्रेसी खड़ी है। अपने संविधान को समझना इंपॉर्टेंट है। ये हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनने में हेल्प करता है।